ये है बॉक्स पार्क और ये है आपका भाई। और इतने दिनों बाद व्लॉग आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। पीछे से भी एक म्यूज़िक आ रही होगी, वो गिरेगी और व्लॉग शुरू। ज़िंदगी में जैसे टाइम बचाना है ना, तो आप काउंटर पे जाओ, सीधे कार्ड बनवा लो, ठीक है। ये सब मशीन वशीन की बकैती से बचना है भाई, तो बच सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर कर लो यही जो हमने की है। बॉक्स पार्क से पहले ये जो पोर्ट आ रहा है ना, इस पोर्ट पे ज़रूर जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे मछलियाँ तो आपको फ्री में, और नहीं फ्री में नहीं, मछलियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी फ्रेश, प्लस यहाँ पे जो आपका इन्जॉयमेंट है ना वो तो वो। यहाँ पे फिशिंग हो रही है, और फिशिंग जो है वहाँ पे जो छोटे छोटे हब बने हैं वहाँ पे फिशिंग की मार्केट लगती है। तो बेसिकली मुझे लगता है फ्रेश फिश अगर आपको लेना है तो आप अलरूबा पे आ सकते हैं और फ्रेश फिश यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारी फिशिंग और जो ये कॉर्निश है, कॉर्निश से ये कॉर्निश का साइड ही है बेसिकली, ठीक है। अभी मुझे निकलना है बॉक्स पार्क। ये जो अभी मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ ना, ये हमारे बिलाल भाई हैं ना, वो आ तो नहीं पाए, वो क्यों नहीं आए वो आगे मैं बताऊँगा, लेकिन उनके दिल लगा हुआ है तो वो फ़ोन करके वीडियो कॉल कर देखना चाह रहे हैं कि भाई साहब तुम जो दिखा रहे हो ना वो कैसा है। तो हमने कहा कि इंतज़ार करिए, हमारी ऑडियंस के साथ आप देखेंगे। तो बिलाल भाई ये रहा सीन। अपने दोस्तों को ले के आता हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह, इतनी कलरफुल जगह जहाँ पर फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, वहाँ मैं अकेला आया तो मेरी फ़ोटो कौन खींचेगा। तो एक चीज़ होती है वाईफाई कनेक्शन, उससे मैं खींचने की कोशिश करूँगा। समझ आई बात? नहीं आई, करके देखो।
ये जो सीन थे ना, ये सीन लेने में कसम से मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वो एक शॉट के लिए मुझे कैमरा सेट करना पड़ता था, मैं उधर से गुजरता था, फिर बॉक्स बदलता था क्योंकि कलर बदलना था। मतलब अगर जिनको पता है उनको पता है, मतलब टेक्निकल ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, मतलब इतना ही है कि थोड़ा सा एफर्ट लगा। तो ऐसे इतने दिन बाद ब्लॉग करने में एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ताकि जनता आ जाओ भाई साहब, इधर किधर, इधर आ जाओ, आ गया दावर, आ गया, आ जाओ, नहीं आना, देख लो, सोचो। बॉक्स पार्क है क्या? बॉक्स पार्क एक जो है रेस्टोरेंट टाइप की, जो कंटेनर दिख रहा है आपको, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, छोटी मोटी शॉप की दुकान है, ये सारी चीज़ें हैं बॉक्स पार्क के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बॉक्स पार्क आपको आना चाहिए, तो आए, फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन वो बॉक्स पार्क में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी तरफ से, टिप्स है। नंबर वन, आप लाइट में आए, डे लाइट में, क्योंकि यहाँ पे कलर्स जो है ना वो डे में ही निकल गए हैं, इसी वजह से मैं आज सुबह आया था। नंबर टू, आप जो वाइट टी शर्ट पहन लो, मेरी तरफ से सजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स है ना, इस पर कॉन्ट्रास्ट जो निकल के आएगा, ये वाइट, देखो फैशन टिप दे रहा है भाई, ठीक। और तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, कि अकेले नहीं आना, अपने दोस्त के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे ना किसी को तो फ़ोटो खींचने के चाहिए ना। मैं कैसे खींचा मैं ही जानता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखो फोटोज मैंने निकाली। बाकी अभी वॉशरूम जाते हैं, फिर अभी घर निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई और धूप निकल लग रही है भाई, बॉडी में लग रही है धूप। मुझे एक चीज़ समझ ये नहीं आती कि वॉशरूम में लाइट्स जो है ना बड़ी खूबसूरत लगाते हैं, मतलब एक व्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट सेटअप होती है वॉशरूम की लाइट, क्यों भाई साहब? ये छोटा सा कंटेनर बना हुआ है ताकि लोग इसमें बैठ के आराम से खा पी सकें, लेकिन आपको मिनिमम 20 रियाल से ऊपर कंटेनर के अंदर ही सामान लेना पड़ेगा, तब आप यहाँ बैठ सकते हो। मैंने 3 की आइसक्रीम ली है, 10 का ये लिया है, कोई पूछेगा तो कहेंगे लगाओ इसमें जो सबसे महंगा है वो मंगाओ, का भाई वो खाएंगे। और जिनको पता है उनको पता है कि भाई रेस्टोरेंट में आके ये चीज़ें ऑर्डर नहीं करेगा, भाई को खाना क्या, आइसक्रीम। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आज आपका भाई अकेले बॉक्स पार्क क्यों आया, उसकी कुछ वजह है, उसी के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, कि जैसे ही हम लोग जब आते हैं ड्यूटी करके, तो उस दिन लोगों की आंखों में नींद होती है, लोग जाना पसंद नहीं करते, आना पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप एक काम करते हैं, आज 4 बजे निकलेंगे, सुबह 4 बजे, यानी फ्राइडे को सुबह 4 बजे निकलेंगे, मस्त रहेगा, क्योंकि दोपहर में हम जा नहीं सकते, तो फ्राइडे को 4 बजे निकलने का सीन था। भाई साहब बिलाल भाई सो गए, और हारिस और राहिल की तबीयत ख़राब थी, तो उनको मैं ज़्यादा तकलीफ़ दे नहीं सकता, तो सो गए। उनको मैंने फ़ोन किया, उन्हें उठा, तो भाई ने कहा कि बहुत हो गई भाई साहब आराम, अभी व्लॉग ज़रूरी है, तो दुकान जो है ना चलनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो इस वजह से भाई आपका अकेले आया आज। लेकिन आप बॉक्स पार्क में कभी भी अकेले मत आना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो आपकी कौन लेगा भाई, ये इतनी खूबसूरत जगह में बैठा हूँ, फ़ोटो मिल ही नहीं रही। 9 बज रहा है और मुझे 1 किलोमीटर तक पैदल जाना है, पहले फिर बस पकड़नी है, तो जितनी जल्दी मैं निकलूँ यहाँ से उतना बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि धूप काफ़ी बढ़ रही है ना बाबू। इम्पॉर्टेंट और लास्ट अपडेट कि एक व्लॉग पे मैं पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, इस वाले व्लॉग के लिए नहीं, वो व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा, और इसी वजह से शायद व्लॉग्स लेट भी आ रहे हैं, बस वो व्लॉग मेरे बहुत ही दिल के करीब है, प्लीज़ बस यही बताना था। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि आइसक्रीम और रेडबुल मैंने कहाँ से ली, तो सामने छोटी छोटी शॉप से मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर मैं गया और ये लेके आया, और भाई ने ये खाया, और भाई अब जा रहा है। थैंक यू।
तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं दोस्त बड़ी जल्दी बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मिल गए कश्मीरी दोस्त मोमिन भाई, ठीक है। और इन्होंने जो दो तीन फ़ोटोज़ आपने मेरी देखी होंगी भाई साहब ने खींचे हैं, क्योंकि आज दोस्त नहीं आए तो दोस्त हमने बना लिए हैं। मोमिन भाई थैंक यू वेरी मच। मोमिन भाई तो कश्मीर के हैं और ये इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने एक दोस्त कश्मीरी दोस्त की याद आ रही है, वो ब्लॉग देखकर कमेंट भी करें। सही बात है। अभी आप अच्छा साहब काफ़ी देर हो चुकी है, 9:30 बज रहा है, अब मैं सीधा यहाँ से निकलूँगा बस स्टॉप के लिए। और ये ही था बॉक्स पार्क। अगर आपको भी कुछ भी बॉक्स पार्क के बारे में मालूम है या और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, भाई आपको बताएगा। बाकी ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। और बहुत ही शानदार व्लॉग था ये, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हम आए और कांड ना ऐसा हो नहीं सकता। कैमरे का जो कैप होता है ना, मैं भूल गया किधर भूला हूँ, नहीं पता। मुझे लगता है फूड कोर्ट में जिधर मैं बैठ के खा रहा था वहाँ पे होगा। अभी देखते हैं कितनी ईमानदारी बची कदर में, या मेरे पॉकेट में तो फिलहाल नहीं है, फिंगर क्रॉस्ड। यार 200 मीटर आगे आ गया था यार, कसम से हद हो गया यार, धूप में पागल हो जाऊँगा मैं। लेकिन इसी को तो मज़ा कहते हैं, इसी को तो व्लॉग कहते हैं। इस वाले में बैठा था, यस यस मैं इस वाले में बैठा था। इसको पुश करते हैं, ये यस, क्या बात है यार, अब मेरा दिन बेहतर से बेहतरीन हो गया। मैं 200 मीटर आगे गया यार, लिटरली 200 मीटर के बाद अंदर आया और मुझे ये मिल गया। यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत कूल लोग हैं। यहाँ पे आपको जनरली ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे होंगे ये सब में पूरा भाग, क्यों भाई सुबह है, मुझे मेरे जैसा इंसान ही यहाँ आ सकता है। बाकी या तो मुझे लोग पागल समझ रहे हैं या तो मतलब है ना।